डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैंप्स एकेडमी। आज है शनिवार और मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास सिक्स की नई वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जैसी वैल्यूज, जो बड़ी बड़ी नंबर्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग इन नंबर्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, कैसे यूज कर लेते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, अभी आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में, मतलब फिफ्थ में और उससे भी लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी कि जो सेंटीमीटर होता है, क्या सेंटीमीटर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CMB कहते हैं, ये क्या होता है, ये यूनिट ऑफ लेंथ होता है, यूनिट ऑफ लेंथ होता है, ठीक है। लेकिन इससे, इसकी वजह से हम लोग क्या क्या चीजें नाप लेते हैं, जैसे अगर इस मार्कर की लंबाई नापी जाए तो हम इसे सेंटीमीटर में इजिली नाप सकते हैं, ठीक है। हमारे फिंगर्स की लंबाई नापी जाए तो भी नाप सकते हैं, ठीक है। या फिर इस मार्कर की, इस कोई ने ये सर्कल बना दिया और इसके बीच के डिस्टेंस को नापना हो तो हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने कहूं कि इस जो मार्कर है, इसके जो निब है, इसका जो निब आपको दिख रहा होगा, ये जो निब है, अगर इसकी हमें मोटाई नापनी हो तो हम कैसे नापेंगे, इसकी मोटाई कुछ ये है, ठीक है। यहां पर आपको क्लियरली दिख भी नहीं रहा होगा, अगर हमें कहा जाए इसे नापना है, या फिर आप जान पा रहे होंगे आपके आपके हाथ में पेन या पेंसिल होगा, ठीक है, उसका जो निब है, उसका जो पॉइंट है, उसको अगर हमें नापना हो तो कैसे हम नापेंगे, ठीक है। या फिर पेंसिल है, उसमें जो लिखने वाला पॉइंट है, ग्रेफाइट जो होता है, उसको नापना हो तो हम कैसे नापेंगे। तो यानी कि हम छोटी चीजों को सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते हैं, क्लियर, सेंटीमीटर में हम चीजें नहीं नाप सकते। तो सेंटीमीटर से भी एक छोटी क्वांटिटी होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MM लिखते हैं। इसकी मदद से हम लोग स्मॉलर क्वांटिटीज को नाप लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो अभी ये कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए 10 mm, 10 mm इज इक्वल टू क्या होता है, 1 cm होता है, ठीक है। 10 mm इज इक्वल टू क्या होता है, 1 cm। तो mm का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, फॉर मीजरिंग स्मॉलर लेंथ विच कांट बी मीजर बाय सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर क्या होता है, वो सेंटीमीटर से छोटी क्वांटिटी होती है और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लेंथ को नापने के लिए या विथ को नापने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया, एक चीज हो गया हमारा, क्या ये 10 mm इज इक्वल टू 1 cm, ठीक है, एक चीज ये हो गया। अब देखिए, एक और चीज आती है, मान लेते हैं हमने अभी क्या बताया कि सेंटीमीटर की मदद से हम लोग मार्कर की लेंथ नाप सकते हैं, ठीक है, फिंगर की लेंथ नाप सकते हैं, कॉपी की लेंथ नाप सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी रूम की लंबाई नापनी हो, या आपका स्कूल है उसकी बिल्डिंग नापनी, उसकी बिल्डिंग की लंबाई नापनी, तो सेंटीमीटर फिर एक छोटी क्वांटिटी हो जाती है। वही सेंटीमीटर जो इस पेन के निब के लिए, मार्कर के निब के लिए बड़ी क्वांटिटी थी, वही सेंटीमीटर बिल्डिंग की लेंथ के लिए छोटी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो अब छोटी क्वांटिटी होगी तो इससे, यानी कि हमें एक बड़ी क्वांटिटी चाहिए जिससे मदद से हम बिल्डिंग की लेंथ को या फिर रोड रोड की लेंथ को नाप सकते हैं। तो उसके लिए क्या आता है, मीटर, क्या आता है, मीटर, ये क्या होता है, 1 meter इज इक्वल टू कितना होता है, 100 cm, या फिर इस 100 cm को अगर हम मिलीमीटर में चेंज करें तो 100,000 mm हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी क्या है, एक क्वांटिटी है। अब इसके बाद आप देखिए, अभी तक के अकॉर्डिंग क्या है, मिलीमीटर सबसे छोटी क्वांटिटी और मीटर सबसे बड़ी क्वांटिटी। लेकिन हमने रोड की लंबाई नाप ली कि हाँ चौड़ाई कितनी है, बिल्डिंग की लंबाई नाप ली कितनी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे शहर से या दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, दिल्ली से आपके शहर की दूरी कितनी है, तो इस कंडीशन में मीटर, मीटर एक क्या मैक्सिमम, या ये जो कि हमारे बोर्ड की चौड़ाई है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट 1 meter की दूरी पे है लगभग, और दिल्ली से मुंबई बहुत ज्यादा दूर है, तो उसे हम मीटर्स में नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। मीटर में चेंज करते हैं लेकिन मीटर में बताना नहीं सही रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं,
और उसका नाम देते हैं किलोमीटर। क्या नाम देते हैं? किलोमीटर। किलोमीटर नाम देते हैं। ये किलोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 किलोमीटर ये होता है 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर। तो अगर इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 लाख सेंटीमीटर। और बड़ी क्वांटिटी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अगर मिलीमीटर में चेंज करना हो तो ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सब क्या है? ये सब मीजरिंग क्वांटिटीज हैं, मीजरिंग लेंथ्स हैं, ठीक है। ये यूज होता है किसमें? ये सब क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ है। किलोमीटर हुआ, मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, ये सारी चीजें क्या है? ये सब यूनिट ऑफ लेंथ है। नापने, लेंथ को नापने के लिए हमारे पास यूनिट्स होती हैं, इकाई होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ये चार होती हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर और चीजें बताते हैं अगर हमें इसके अलावा और कहीं जाना हो तो। देखिए, तीन चीजें होती हैं, लेंथ, वेट, वॉल्यूम, ठीक है। लेंथ के लिए जो नॉर्मल यूनिट होती है क्या होती है? मीटर, ठीक है। लेंथ के लिए नॉर्मल यूनिट मीटर, वेट के लिए ग्राम और वॉल्यूम के लिए क्या होता है? लीटर होता है, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं। अभी लेंथ और वेट को समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे मीटर क्या होती है? एक यूनिट क्वांटिटी है, उसी तरह ग्राम भी एक यूनिट क्वांटिटी है। ये क्या है? यह है मीटर और ये क्या है? ग्राम, ठीक है। अब मीटर से बड़ी क्वांटिटी क्या होती है? किलोग्राम। तो जैसे 1 किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। उसी तरह ये होता है 1 किलोमीटर। उसी तरह यहां पे 1 किलोग्राम क्या होता है? ये होता है 1000 ग्राम, ठीक है। जैसे ये 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसी तरह यहां पे 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम होता है। क्लियर? इसी तरह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। और यहां पे क्या होता है? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 cg, 1 cg इज इक्वल टू क्या होता है? 10 मिलीग्राम। क्लियर है ये चीज? ये तीनों क्वांटिटीज होती हैं। और लीटर की बात करें तो 1 लीटर में क्या होता है? 1000 ml। ये थोड़ा सा चेंज क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेट की बात करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। और लेंथ में मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये चार चीजें होती हैं। तो अब देखिए, इसमें हर जगह पे आप क्या देख पा रहे होंगे, ये जो किलो होता है, KILO, किलो, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है 1000 टाइम्स ग्रेटर चीज को, 1000 टाइम्स ग्रेटर चीज। अब ग्रेटर, जैसे अगर हम मिलीमीटर, अगर हम लेंथ की बात करें तो 1000 टाइम्स ऑफ मीटर, अगर ग्राम की बात करेंगे तो 1000 टाइम्स ऑफ ग्राम, ठीक है। इसी तरह ये जो मिली होता है, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है 1000 टाइम्स स्मॉलर क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे मिलीमीटर होता है, तो मीटर की बात कर रहा है, मिली और मीटर, तो मीटर यानी कि 1 मीटर में कितने 1000 मीटर होते थे, 1000 मिलीमीटर्स। इसी तरह 1 ग्राम में कितने 1000 मिलीग्राम होते हैं। क्लियर है चीज? और ये सेंटी होता है, ये डिनोट करता है क्या? 100 टाइम्स स्मॉलर, 100 टाइम्स स्मॉलर। यहां पे देख पा रहे होंगे सेंटी क्या, सेंटी के आगे अगर मीटर लगा दिया गया तो मीटर वाला पार्ट यानी ये तो 100 सेंटीमीटर होता है। अगर सेंटीग्राम लगा दे तो 1 ग्राम में कितने 100 सेंटीग्राम हो जाते हैं। क्लियर है चीज?
तो इसे भी नोट कर लीजिए, ये टेबल बना के और इस तरह से डिटेल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर वन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर वन कह रहा है कि कोई सिटी है, जैसे मान लेते हैं आपकी ही सिटी है वो, 1991 में, यहाँ डिटेल नोट करते चलते हैं, 1991 में वहां पे 235,471 लोग रहते हैं, 235,471, और 2001 यानी कि 10 इयर्स के बाद यहाँ पे जो आ रहा है वैल्यू, ये क्या है, इनकी संख्या कितनी बढ़ जा रही है, ये बढ़ जा रही है 72,958, क्या हो रहा है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। मान लेते हैं जैसे मैं हूं, मेरे घर में 10 लोग रहते हैं, और आज से 5 साल के बाद घर में अगर 2 लोग बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगी संख्या, 12 हो जाएगी परिवार में। तो उसी तरह ये कोई सिटी है, 1991 में कितने थे, 235,471, और जब 2001 में आए तो वहां पे कितने बढ़ जा रहे हैं, 72,958। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2001 में जो सिटी थी उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी थी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आप लोग नीचे से नोट कर लीजिएगा। यहां पे लिखते हैं पहले सॉल्यूशन, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001 कितनी रहेगी, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 1991 प्लस 1991 में जितनी जनसंख्या थी और उसमें कितनी बढ़ गई, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 2001 की पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो ये है 2,035,471, ठीक है, और बढ़ी कितनी थी, 72,958, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, देखिए यहां पे साइड में ऐड कर लेते हैं, 2,35,471,72,958, आप लोग भी ऐड कर लीजिए इसको, 8+1 9, देखिए मेरी एडिशन कह रही है 3,08,429, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 3,08,429, ठीक है। यही क्या थी, 2001 में उस सिटी की पॉपुलेशन थी, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसे हम दो तरीके से और ऐड कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा मेथड वन, अब मेथड टू की बात करते हैं। मेथड वन क्या था, जो हम लोगों ने उधर में रफ वर्क किया, अब मेथड टू देखिए इस चीज को हम एक्सपेंड कर दें इधर, तो कैसे लिखेंगे, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख प्लस 35,000 प्लस 400 प्लस 70 और प्लस 1, ये हो गया क्या, ये पार्ट हुआ, प्लस 72,000 प्लस 900 प्लस 50 प्लस 8, ठीक है। दोनों का एडिशन क्या आएगा, सेम आएगा, 308,429, नोट कर लीजिए इसको। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा कि बड़े बड़े नंबर्स का यूज हम कहां पे करते हैं, जैसे पॉपुलेशन का जो है
काउंटिंग करने में, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं कहां पे। एग्जांपल नंबर टू है, एग्जांपल नंबर टू कह रहा है कि जैसे आप सभी के घर में पेपर आते होंगे, सरोसुआ पेपर आते हैं, तो उसमें कुछ पेजेस होते होंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये पेपर है, ठीक है, और इसमें टोटल देखिए इस तरह से ये वन टू ये थ्री फोर, इस तरह से ये करते हुए टोटल पेजेस होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर है या एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसमें एक अगर पेज एक पेपर छपता है पूरा, तो उसमें टोटल कितने पेजेस होते हैं, 12। क्या होते हैं टोटल पेजेस इन वन कॉपी, मतलब एक पेपर में कितने पेज होते हैं, 12, ठीक है। और कह रहा है कि टोटल, जैसे हर आपके घर में पेपर आता है, इसी तरह किसी और के घर में भी पेपर जाता होगा, इसी तरह किसी गांव में और किसी पेपर जाता होगा, इस तरह से करते हुए टोटल उस पेपर की 1000 मतलब 11980 कॉपीज बनती हैं, यानी कि टोटल कॉपीज कितनी है, 11980, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक कॉपी में 12 पेजेस छप रहे हैं और टोटल 11980 पेजेस कॉपीज छप रही हैं, तो टोटल कितने पेजेस उस प्रिंटिंग प्रेस में या उस न्यूज़पेपर में छपते हैं टोटल। तो टोटल पेजेस अगर हम काउंट करें तो टोटल पेजेस इन 11980 कॉपीज, तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक कॉपी में 12 पेज होते थे, लेकिन अब कॉपीज कितनी है, 11980 है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो एक अनुमान लगा के बताइए, क्या ये नंबर 1,00,000 से ज्यादा होगा, एक अनुमान लगा, जैसे अभी तक हम लोगों ने 1,00,000, 10,00,000 इस तरह के नंबर पढ़े हैं, तो लाख एक नंबर होता है, तो क्या 1,00,000 से ज्यादा हो सकता है। देखिए ये है 11,000 और ये है 12, तो 11 × 12 कर रहे हैं, तो 11 × 10 = 110 हो जाता है, 11 × 10 = 110 हो जाता है, तो और ये तो उससे भी आगे, यानी कि ये वैल्यू एब्सोल्युटली 1,00,000 से ज्यादा होगी, यानी कि ये बिग नंबर्स की लाइन में आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आंसर आएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको अब मैं सॉल्व करता हूं, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। 11980 × 12, ठीक है, 20 × 0, 8 × 16 के 1 कैरी 1, 2 × 9 = 18 प्लस 1 = 19 कैरी 1, 2 × 1 = 2 प्लस 1 = 3 और 2 × 2 = 2 इधर में आइए 08911 06 98 17 कैरी 1, 9 + 3 = 12 प्लस 1 = 13 कैरी 1, 4 1 14 3760, तो क्या आ जाएगा 14 3760। कॉमा लगाएंगे इसमें कैसे, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगा दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, एग्जांपल नंबर 2 का आंसर, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे हमारे एग्जांपल खत्म हुए, इसके बाद हम लोग अब पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक स्कूल है जहां पे बुक एग्जीबिशन लगी है। बुक एग्जीबिशन क्या होती है, यहाँ पे जैसे आप लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पे सैकड़ों करोड़ों बुक्स होती हैं, ठीक है, आप जाते हो उनको देखते हो, बस अच्छी लगती है, पढ़ते हैं और फिर चले आते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको पैसे नहीं लगते, ठीक है, लेकिन एक बुक एग्जीबिशन में जाने के लिए टिकट लगते हैं, जैसे सिनेमाघरों में लगते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो बुक एग्जीबिशन है वो टोटल 4 डेज लगी थी, ठीक है, टोटल 4 डेज लगी थी, और इन 4 दिनों में डेली कुछ जो है टिकट बेचे गए थे बुक एग्जीबिशन में आने वाले लोगों को। तो पहले दिन कितनी बुक्स कितने टिकट बेचे गए थे, 1094, सेकेंड डे 1815, थर्ड डे 2050,
और लास्ट डे 2751, ठीक है, ये कहा गया कि चार दिन में इतने इतने टिकट्स बेचे गए डेली। अब लोग क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल एग्जीबिशन यानी कि ये फोर डेज मिला के कितने टिकट बेचे गए, तो चलिए इसको नोट करते हैं कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखेंगे टिकट्स सोल्ड ऑन डे वन, कितना है 1094। फिर लिखेंगे टिकट्स सोल्ड ऑन डे टू, कितने थे 1815, ठीक है, तीसरे दिन का भी नोट करेंगे और चौथे दिन का भी। टिकट्स सोल्ड ऑन डे थ्री 2050 और लास्ट डे का लिए 4 दिन के हो गए। फिर हम लोग लिखेंगे क्या टोटल टिकट्स सोल्ड इज इक्वल टू, चार नंबर्स को ऐड करेंगे 1094 प्लस 1815 प्लस 2050 प्लस 2751, ठीक है, इसे ऐड कर लीजिए, देखते हैं कितना आता है 7710, ठीक है, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड 7710, तो यही हमारा आंसर है। चार दिन में टोटल 7710 टिकट बेचे गए हैं, तो इसे नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन था। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, कह रहा है शेखर एक फेमस क्रिकेटर है, जैसे आपके भी आप जानते होंगे कुछ फेमस क्रिकेटर्स के बारे में, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इस तरह से बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, तो उसी तरह एक शेखर भी खिलाड़ी है और उसने टेस्ट मैचेस में टोटल कितने रन बना रखे हैं 6980 रन उसने बना रखे हैं और वो पहुंचना चाहता है कहां पे 10000 रनों पे, ठीक है, 10000 रन तक पहुंचना चाहता है, तो उसे ये जो डिस्टेंस है 6990 से 80 से लेके 10000 तक में उसे टोटल कितने रन बनाने होंगे हमें ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले लिखेंगे जितने रन शेखर ने बनाए, शेखर स्कोर्ड, शेखर स्कोर्ड इज इक्वल टू कितना है 6980 रन, ठीक है, शेखर वांट्स टू रीच कितना पहुंचना चाहता है 10000 रन तक, ठीक है। अब हम कहेंगे कि शेखर हैव टू स्कोर, शेखर नीड्स टू स्कोर, शेखर को कितना रन बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे अगर हम कहें कि 100 नंबर का एग्जाम है, मैं इसे थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं आप लोगों से, 100 नंबर्स का एग्जाम है, ठीक है, आपने 58 नंबर पाए हैं या 80 नंबर आप पाए हैं, क्लियर, तो आप कितने नंबर और पा जाओ कि आपको 100 नंबर मिलेंगे, तो आप कहेंगे 20 नंबर, कैसे किया 100 माइनस 80, तो वही चीज हमें यहां पे भी करना है, इतने रन उसने बना रखे हैं, इतना वो बनाना चाहता है तो उसे कितने बार बनाने पड़ेंगे, ये होगा 10000 माइनस 6980 रन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3020 रन, ठीक है 3020 रन,
बस तो इसे भी नोट कर लीजिए, आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।